सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वेस्टर्न रीजन फर्स्ट सर्किल में जो वैकेंसी आई है ट्रेनी की, उन वैकेंसीज के बारे में। इसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2018। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कम 70% अंकों के साथ सामान्य ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST PWD हैं उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स होनी चाहिए। वैकेंसी है 30 सामान्य की 15, ओबीसी की 8, एससी की 3 और एसटी की 4 वैकेंसी है। पे 16,000 से 35,000 पास वाले ग्रेड में है और आईडी पैटर्न पर है। वहीं डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए पे 16,000 से 35,000 पास वाले ग्रेड में आईडी पैटर्न पर। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में कम 70% अंकों के साथ अगर आप सामान्य हैं और ओबीसी नॉन क्यू मिले रहे, और एससी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स होनी चाहिए। वैकेंसी 5 है, सामान्य 3, ओबीसी की 1, एससी की 1 वैकेंसी है। वही जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर के लिए पे 16,000 से 35,000 पास वाले ग्रेड में है। इसके लिए फुल टाइम के आपके 2 साल की पीजी डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एमबीए होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में, पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशंस में, या फिर MSW हो आपके पास जो कि स्पेशलाइज हो पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन में, या फिर इसके इक्विवेलेंट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कम 55% अंकों के साथ जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और पासिंग मार्क्स होनी चाहिए एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। वैकेंसी 4 है, इसमें सामान्य 2, ओबीसी की और एसटी की 1 वैकेंसी है। एज की अगर बात करें तो 28-27 साल होनी चाहिए, 19 अप्रैल 2018 को काउंट होगी। ओबीसी को 3 साल की, एससी को 5 साल की, और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट अपर एज में दी जाएगी। बाकी रिलैक्सेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल दिया जाएगा। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है 30 मार्च 2018 को, एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2018। आवेदन जो है वो ऑनलाइन है, आप www.powergridindia.com पे जाके वहाँ कैरियर सेक्शन में वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही होंगी, वहाँ नीचे आप रीजनल ओपनिंग्स उसमें WR फर्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अन्य मोड एप्लीकेबल नहीं है। फीस 300 रुपये है सामान्य ओबीसी के लिए, SC ST PWD एक्सटेंशन को कोई पे नहीं करनी है और फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अल्टरनेट ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही आपको स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, 50 KB से कम हो वो, JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर, JPG फॉर्मेट में 30 KB से कम हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, 1 MB से कम होना चाहिए PDF फॉर्मेट में, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके जितनी भी डिप्लोमा डिग्री पी डिप्लोमा डिग्री के 1 MB में PDF फॉर्मेट में, और डिप्लोमा डिग्री पीजी डिग्री की मार्कशीट सभी ईयर सेमेस्टर की 10 MB से कम होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में, और जितनी भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं वो सिंगल इमेज फाइल सिंगल फाइल में ही स्कैन होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि जम्मू कश्मीर और दंगा पीड़ित हैं उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर लागू है तो, साथ ही अन्य डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू ये वैकेंसी भरी जाएंगी, और ये टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर रिटन टेस्ट का आयोजन भी कराया जा सकता है। वहीं जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर के लिए आपका 100% वेटेज दिया जाएगा CBT को, रिटन टेस्ट को, लेकिन आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। CBT रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो टाइम लिमिट होगी 2 घंटे। इसका पार्ट फर्स्ट जो होगा वो आपके टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके संबंधित ट्रेड के होंगे। वही पार्ट सेकंड जो होगा उसमें सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे। सभी क्वेश्चन 1 अंक के होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। टेस्ट सेंटर जो बनाए जाएंगे वो होंगे मुंबई, नागपुर, पुणे, रायपुर, दुर्ग और भुलाई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो सामान्य की वैकेंसी है उसके लिए 30% आपको प्रत्येक में लाना होगा और एग्रीगेट लाना होगा आपको 40%। वहीं जो रिजर्व वैकेंसी है उनके लिए 25% आपको प्रत्येक पार्ट में लाना होगा और 30% लाना होगा एग्रीगेट। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड को अगर हम देखें तो आपको 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद आपको कम से कम 3 साल की सर्विस आपको PGCIL में करनी होगी। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 50,000 का बॉन्ड भरना होगा और ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर के लिए 25,000 का। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।